जय बदले पंजाब नगर शिव मंदिर में जलाभिषेक कर मांगी मनोकामना। यूपी के रामपुर में फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा आज रामपुर के पंजाब नगर गांव में शिव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया और मांगी मनोकामना। जयप्रदा ने मीडिया से वार्ता कर कहा कि मंदिर आए हैं आप और आज शिव जी के दर्शन किए हैं, वैसे ही जैसे आप आती हैं रामपुर, क्या कहना चाहेंगी जी? ये मेरे लिए कुछ नया काम नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर इस इलाकों में घूमती थी और यहाँ के जो कमियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, वो हम एक के बाद एक समस्याओं को हम सुलझाने की कोशिश भी करते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी एक समस्या होती थी कि जब जब बारिश होती थी तो यहाँ प्रभावित होते थे, तो उस समय पे बांध के जो रास्ता रखा था तो हमने यहाँ पे भी वो बांध बनवाने की प्रयास की थी। और यहाँ पे बनने के बाद लोगों को एक ऐसी सुविधा हुई है कि ताकि वो बारिश में कुछ ऐसे समस्या ना हो और फसल भी ठीक से होता है। तो अब चुनाव में कुछ समीकरण के हिसाब से हमें सफलता नहीं मिल पाई एक मिनट, तो मैं इसको देख कर मैं परेशान नहीं हूँ लेकिन आहत जरूर हूँ। तो मैं लोगों ने ये सोचा था कि चुनाव के जो प्रक्रिया में हम लोगों को जो सफलता नहीं मिल पाने पर यहाँ के लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ, लेकिन मैंने उसी टाइम पे मैंने वादा किया कि मैं रामपुर को नहीं छोड़ूंगी और मैं इसी सिलसिले में मैं रामपुर में रहने के लिए और मैं आना शुरू किया। और रामपुर में जितने समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम वापस इनको लाइन पे लाने के पटरी पे लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ पे शिव जी के मंदिर में आई हूँ पंजाब नगर में। और ये मेरे लिए हमेशा ये आस्था है और यहाँ से जो भी मांग करते हैं तो शिव जी का हमेशा उनका कृपा रहता है। तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आई हूँ, आज शिव जी का अभिषेक भी किया। और हमारे जो काम हैं अभी, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी रामपुर के आगमन है तो मैं यहाँ पे समीक्षा करने वाले हैं, क्योंकि उपचुनाव के समय आने वाला है तो आने वाले उस इलेक्शन के लिए किस तरह कैंडिडेट के हिसाब से, किस तरह इस समीकरण के हिसाब से जो इलेक्शन जो पिछली बार हुआ है तो उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। आज मुख्यमंत्री जी इसीलिए वो स्वयं आकर यहाँ पे समीक्षा कर रहे हैं सभी लोगों से और उनको अवगत करा जाएगा कि किस तरह का हम लोगों को रणनीति बनाना है। तो उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि रामपुर के बारे में उनके व्यस्त समय से कुछ समय निकाल कर हमारे लिए आ रहे हैं। उपचुनाव जो हो रहा है उसमें क्या आप लड़ेंगे? मैं हर बार चुनाव लड़ने के लिए ही मैं काम नहीं कर रही। पार्टी है अभी जो बीजेपी का पार्टी, जो भी शीर्ष नेता लोग जो निर्णय करते हैं उसके हिसाब से होता है और हाँ ना कहने का हमारा कोई हैसियत नहीं। सवाल है।